नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 24 मई दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी ने ब्लॉक हॉर्टिकल्चर के 318 पदों पर निकाली भर्ती। डीएलएड में आगामी सत्र से नामांकन के लिए समिति ने जारी की संस्थानों की सूची। गया के डोभी में बनेगा राज्य का पहला औद्योगिक पार्क। छठे चरण के चुनाव को लेकर थमा चुनाव प्रचार। प्रदेश में आज इन जगहों पर बारिश की है संभावना। आज चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में एसआरएच और आरआर के बीच होगा दिलचस्प मुकाबला। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी ने ब्लॉक हॉर्टिकल्चर के 318 पदों पर निकाली भर्ती। बीपीएससी ने ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के 318 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 23 मई से शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 29 मई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जरूरी है कि उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि उद्यान या कृषि विज्ञान में स्नातक पास किया हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके अधिसूचना और आधिकारिक वेबसाइट को देख सकते हैं। डीएलएड में आगामी सत्र से नामांकन के लिए समिति ने जारी की संस्थानों की सूची। समिति की वेबसाइट का पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से संबद्धता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी डीएलएड स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाली सरकारी और निजी प्रशिक्षण संस्थानों की सूची को जारी कर दिया गया है। सूची जारी करने के बाद अब उन अभ्यर्थियों को आसानी होगी जो आगामी डीएलएड सत्र 2024-26 में मान्यता प्राप्त डीएलएड संस्थान से नामांकन लेना चाहते हैं। कई बार बच्चे फर्जी संस्थान के चक्कर में फंस जाते हैं जिससे उन्हें आगे चलकर परेशानी होती है, लेकिन अब वे समिति की वेबसाइट पर मान्यता प्राप्त संस्थानों की लिस्ट को चेक कर सकेंगे। बिहार पुलिस की नियमावली में बदलाव से सिटी एसपी को मिला ये अधिकार। बिहार पुलिस की नियमावली में एक जरूरी बदलाव किए गए हैं ताकि बिहार में कानून व्यवस्था की बेहतरी और पदाधिकारियों की कार्यशैली में सुधार किया जा सके। इस बदलाव के तहत सिटी या ग्रामीण एसपी भी दरोगा रैंक के थानेदार या अफसर को निलंबित कर सकेंगे। ग्रामीण और सिटी एसपी रैंक के अफसरों को पटना जिले में ये अधिकार मिला हुआ है। सीनियर एसपी से नीचे रैंक के अधिकारियों के पास आईपीएस होने के बाद भी ये अधिकार नहीं था। ये केवल कार्रवाई के लिए एक अनुशंसा कर सकते थे। अब इन्हें दरोगा रैंक के पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने के लिए ऊपर के अधिकारियों से अनुशंसा लेने की जरूरत नहीं होगी। गया के डोभी में बनेगा राज्य का पहला औद्योगिक पार्क। राज्य का पहला और देश का सबसे विकसित औद्योगिक पार्क गया के डोभी में बने जा रहा है। लगभग 1680 एकड़ में कोलकाता अमृतसर कॉरिडोर औद्योगिक पार्क को बनाकर तैयार किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की आधी आधी जिम्मेदारी होगी। जिला प्रशासन द्वारा औद्योगिक पार्क के निर्माण के लिए भू अर्जन का काम शुरू किया जा चुका है। मिली जानकारी के मुताबिक 1100 एकड़ के करीब में डोभी के गमहरिया गांव में जमीन ट्रांसफर कर दिए गए हैं। संभावना जताई जा रही है कि 1 से 2 महीने में शेष जमीन पर भू अर्जन का काम तेजी से पूरा कर लिया जाए, उसके बाद इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि डोभी गमहरिया गांव में अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत बन रहे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर परियोजना जिले के लिए वरदान साबित हो सकती है। 1 जून को यहां मतदाताओं को खाने पीने सिनेमा हॉल से लेकर अस्पताल तक में मिलेगी छूट। पटना में 1 जून को लोकसभा के 7वें और आखिरी चरण का चुनाव होने वाला है। इस दिन मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई तैयारियां की जा रही हैं ताकि सभी मतदाता जाएं और मतदान करें। इसी कड़ी में इस दिन वोट डालने वाले मतदाताओं को सिनेमा हॉल, मिठाई की दुकान, अस्पताल, वाटर पार्क और ना जाने कई जगहों पर डिस्काउंट ऑफर मिलने वाला है। इस दिन हरिलाल की दुकानों में मिठाइयों पर 10% तक की छूट दी जाएगी। साथ ही समोसा चाट भी मुफ्त में मिलेगा। वोट करने वाले मतदाता इस सुविधा का लाभ 5 जून तक ले सकते हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे श्यामानंद जालान के बारे में। ये पेशे से एक भारतीय थिएटर निर्देशक और अभिनेता थे। इनका जन्म 13 जनवरी वर्ष 1934 में बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। श्यामानंद जालान को वर्ष 1960 से 1980 के दशक तक आधुनिक भारतीय रंगमंच और विशेषकर कोलकाता में हिंदी रंगमंच के पुनर्जागरण का श्रेय दिया जाता है। इनके प्रोडक्शंस में वर्ष 1953 में आई फिल्म एक थी राजकुमारी, वर्ष 1954 में आई कोणार्क, वर्ष 1955 में आई चंद्रगुप्त, वर्ष 1960 में आई आसार का एक दिन और कई फिल्में शामिल हैं। आज के दिन यानी 24 मई वर्ष 2010 में ये दुनिया को अलविदा कह गए।
बिना सूचना दिए गायब रहने वाले 27,000 शिक्षकों के वेतन में हो चुकी है कटौती। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों पर शिक्षा विभाग लगातार सख्ती बरत रहा है। शिक्षक जरा भी लापरवाही बरतते हैं तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। अब तक स्कूल में बगैर सूचना दिए गायब रहने वाले 32,828 शिक्षकों पर कार्रवाई के तहत वेतन कटौती की अनुशंसा की गई है। वहीं 27,000 शिक्षकों के वेतन बीते 10 महीने में काटे गए हैं। वेतन कटौती सबसे अधिक दरभंगा जिले में हुई है। यहां अब तक 3,884 शिक्षकों के वेतन में कटौती की जा चुकी है। दूसरे स्थान पर नालंदा है, यहाँ से अब तक 3,000 शिक्षकों के वेतन काटे गए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा बताए गए ये आंकड़े 16 मई तक के हैं। छठे चरण के चुनाव को लेकर थमा चुनाव प्रचार। 30 मई को शाम 6 बजे से लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण का प्रचार थम गया है। बता दें कि छठे चरण का ये मतदान 25 मई को होगा। छठे चरण के दौरान बिहार की 8 सीटों पर वोट होगा, जिसमें वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, शिवहर और महाराजगंज शामिल है। इन सभी 8 सीटों से 86 प्रत्याशी चुनाव में खड़े हुए हैं, जिसमें 78 पुरुष और 8 महिला प्रत्याशी है। शिक्षकों के वेतन भुगतान में बरती गई लापरवाही में डीई और डीपीओ के बंद वेतन हुए चालू। राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के वेतन बंद थे। अब शिक्षा विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बंद वेतन को चालू कर दिया है। आपको बता दें कि इन पदाधिकारियों का वेतन बीपीएससी के माध्यम से बहाल शिक्षकों के वेतन भुगतान में देरी करने के कारण बंद किया गया था, जिससे अब चालू कर दिया गया है। इस संबंध में विभाग के निदेशक प्रशासन सुबोध ने आदेश जारी करते हुए कहा है, शिक्षकों के वेतन भुगतान में बरती गई लापरवाही के कारण सभी डीईओ डीपीओ के अप्रैल महीने के वेतन भुगतान पर पाबंदी लगा दी गई थी। इस संबंध में डीईओ और डीपीओ से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। उनके स्पष्टीकरण की समीक्षा और शिक्षकों के वेतन भुगतान के बाद विभाग द्वारा पदाधिकारियों को राहत दी गई है। जल संकट से बचने के लिए जलाशयों में भेजे जाएंगे गंगा नदी के जल। प्रदेश को जल संकट की समस्या से बचाने के लिए इस भीषण गर्मी में जलाशयों को नया जीवन प्रदान करने की योजना बनाई जा रही है। इस योजना पर जल संसाधन विभाग ने काम करना भी शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना द्वारा जलाशयों तक गंगा का पानी पहुंचाया जाएगा। इस योजना में विश्व बैंक भी मदद करेगा। आपको बता दें कि मॉनसून के दौरान जलाशयों में गंगा नदी के अतिरिक्त जल को ट्रांसफर किया जाएगा। जलाशयों में गंगा नदी के पानी के हस्तांतरण से जलाशयों के आसपास के क्षेत्र में सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से भी इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। अब बिना ड्राइविंग टेस्ट दिए भी बनवा सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर 1 जून से भारत में नए नियम लागू होने वाले हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने से पहले 11 साल पूरा होना जरूरी है। 18 साल उम्र पूरी होने के बाद आप आरटीओ ऑफिस में आवेदन देंगे। 1 जून से आरटीओ ऑफिस जाकर ड्राइविंग टेस्ट दिए बिना भी लोग अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए जरूरी होगा कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से ड्राइविंग की ट्रेनिंग लेकर आए हों। इस ट्रेनिंग में आपने हल्के वाहन के लिए 29 दिन में 29 घंटे तय किए हों, वहीं भारी वाहन के लिए आपने 38 दिन में 38 घंटे तय किए हों, साथ ही 8 घंटे की थ्योरी क्लास भी की हो। भैया जी के प्रमोशन के लिए पटना आए मनोज वाजपेयी। भैया जी के प्रमोशन के लिए बॉलीवुड स्टार मनोज वाजपेयी पटना आए। आपको बता दें कि भैया जी मनोज वाजपेयी के करियर की 100वीं फिल्म है। इस दौरान उन्होंने दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान बताया कि इस फिल्म के 99% स्टंट उन्होंने खुद ही किए हैं। शूटिंग पर जाने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ते थे। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से वोट करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि फिल्मों का शतक लगाकर काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये मेरे लिए एक उत्सव जैसा है। मैं दर्शकों से आग्रह करता हूँ कि वे इस उत्सव में जरूर शामिल हों। ये सब दर्शकों के कारण ही संभव हो पाया है। प्रदेश में आज इन जगहों पर बारिश की है संभावना। बिहार में बारिश की संभावनाओं के बीच कई जगहों पर ठंडी हवा का प्रवाह देखने को मिल रहा है। प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई जा रही है। कई जगहों पर तो बादल के आंशिक रूप से छाए रहे। प्रदेश में आज पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई गई है।
बिहार पुलिस ने यातायात संबंधी शेयर किया ये पोस्ट। बिहार पुलिस ने यातायात संबंधी एक पोस्ट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए कहा है कि यातायात संबंधी नियमों का पालन करें। लेफ्ट रिवर्स बेंड देखने के बाद वाहन की गति को कम कर चालक सावधानी से वाहन चलाएं। आपको बता दें कि कई लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिस वजह से अक्सर सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। जीवन सभी के लिए अनमोल है, इसलिए ट्रैफिक रूल का पालन करके खुद के साथ खुद के परिवार का ख्याल भी रखें। देश और विदेश के विकास कार्यों का ड्रोन से किया जा रहा है प्रदर्शन। राजधानी पटना में मरीन ड्राइव पर ड्रोन शो का आयोजन शुरू हुआ है। ड्रोन शो का यह आयोजन 23 मई शाम के 6:15 से शुरू हुआ है, जो 26 मई तक हर शाम के 6:15 पर देखने को मिलेगा। ड्रोन शो के जरिए लोगों को बिहार और देश में हुए विकास के कार्यों को दिखाया जाएगा। आपको बता दें कि इस ड्रोन शो का प्रदर्शन भाजपा की तरफ से किया जा रहा है। इस ड्रोन शो में दिखाई जाने वाली विविध कलाकृतियों की डिजाइन पूर्ण रूप से भारत की कंपनी द्वारा की गई है। ड्रोन का वजन लगभग 250 ग्राम का रहेगा, जो आसमान में 200 फीट की ऊंचाई पर लगभग 300 मीटर की चौड़ाई पर दिखाया जाएगा। राज्यपाल आलेकर ने महाबोधि मंदिर कार्यक्रम में कही ये बात। राज्यपाल आलेकर ने महाबोधि मंदिर कार्यक्रम में कही ये बात। गुरुवार को महाबोधि मंदिर में 2568वीं बुद्ध जयंती का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इस कार्यक्रम में राज्यपाल विश्वनाथ आलेकर भी पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल आलेकर ने कहा कि भारत के लोग जहां जहां गए हैं, उन्होंने करुणा, शांति, अहिंसा और मैत्री का प्रचार किया है। भारत का हमेशा यही विचार रहा है कि भारत के लोग कभी भी हाथ में शस्त्र लेकर बाहर नहीं निकले हैं, हमेशा वे अपने हाथों में शास्त्र लेकर ही निकले हैं। यही हमारी संस्कृति है और परंपरा रही है। बॉडीगार्ड के दुरुपयोग के आरोप की जांच में राबड़ी आवास पर पहुंची एसआईटी की टीम। छपरा में चुनावी हिंसा के मामले के बाद जो हिंसात्मक घटना हुई थी, अब इस मामले में एसआईटी की एंट्री हो चुकी है। बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर एसआईटी की टीम गुरुवार के दिन पहुंची। दरअसल सम्राट चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोहिणी आचार्य पर तेजस्वी यादव राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था, जिसकी जांच के बाद राबड़ी आवास पर पुलिस की टीम पहुंची। सरकारी तौर पर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को मिले अंगरक्षकों के दुरुपयोग के आरोपों की जाँच पुलिस टीम द्वारा की जा रही है। हालांकि अभी इस मामले में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तेजस्वी यादव ने आदिवासी और संविदा कर्मियों को लेकर कही ये बात। बिहार के विकास को लेकर तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि राज्य में 17 और केंद्र में 10 सालों से एनडीए की सरकार है, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। आदिवासी और किसान आज भी विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। बेरोजगारों को संविदा और आउटसोर्सिंग के नाम पर ठगा जा रहा है। अगर इंडिया गठबंधन में सरकार बनी तो आदिवासियों की जंगल और बालू पर अधिकार मिलेगा। ममता, आशा रसोई सहित अन्य संविदा कर्मियों को राजस्व कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। दो दिवसीय दौरे पर आए अमित शाह आज इन दो जगहों पर करेंगे चुनावी सभा। 23 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे। बिहार पहुंचते ही वे सबसे पहले दिवंगत नेता सुशील मोदी के घर उनके परिवारजनों से मिलने गए। यहां आते ही उन्होंने सुशील कुमार मोदी को श्रद्धांजलि दी। फिर अमित शाह बीजेपी कार्यालय पहुंचकर वहां कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। उसके बाद पटना में ही उन्होंने रात्रि विश्राम किया। आज वे 11 बजे आरा के रमना मैदान में बीजेपी प्रत्याशी आरके सिंह के पक्ष में वोट अपील करेंगे। इसके बाद वे जहानाबाद के एरोड्राम में जनसभा को संबोधित करने जाएंगे। प्रशांत किशोर ने अपनी भविष्यवाणी को लेकर किया ये ट्वीट। प्रशांत किशोर के इंटरव्यू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके लिए उन्हें काफी ट्रॉल भी किया जा रहा। अब इसके बाद प्रशांत किशोर ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर किया है। यहाँ प्रशांत किशोर ने लिखा है कि पानी पीना अच्छा है, क्योंकि ये दिमाग और शरीर दोनों को हाइड्रेटेड रखता है। जो लोग इस चुनाव के नतीजों को लेकर मेरे आकलन से चकित हैं, उन्हें 4 जून को भरपूर पानी अपने पास रखना चाहिए। प्रशांत किशोर के मुताबिक बीजेपी को भले ही उसके 400 पार के नारों के मुताबिक सीटें नहीं मिले, लेकिन पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1875 में सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। आज के दिन राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं। आज के दिन वर्ष 1956 में बछेंद्री पाल का जन्म हुआ था, ये एक पर्वतारोही थी। आज के दिन वर्ष 1920 में नीलमणि राउतरे का जन्म हुआ था, जो कि एक राजनीतिज्ञ थे। आज के दिन वर्ष 1955 में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार राजेश रोशन का जन्म हुआ था।
आज चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में SRH और RR के बीच होगा दिलचस्प मुकाबला। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच क्वालिफायर दो का मुकाबला देखने को मिलेगा। जो भी टीम इसमें अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे वो टीम फाइनल में जाएगी और हारने वाली टीम IPL के मुकाबले से बाहर हो जाएगी। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में 26 मई को कोलकाता की टीम के साथ खेलेगी। आपको बता दें कि इससे पहले राजस्थान के रिकॉर्ड चेपॉक स्टेडियम में कुछ खास नहीं रहे हैं। हालांकि इस बार देखना है कि ये मुकाबला कौन अपने नाम करता है। आपके मुताबिक IPL 2024 में KKR के साथ फाइनल में कौन सी टीम भिड़ सकती है? भारतीय शेयर बाजार ने तोड़े अपने सभी पुराने रिकॉर्ड। भारतीय शेयर बाजार ने अपने सभी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लोकसभा चुनाव के छठे चरण से पहले ऊंचाइयों को छू लिया है। शेयर बाजार के दोनों सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी ने सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को नया रिकॉर्ड बनाया है। नए रिकॉर्ड के साथ ये सूचकांक 1.6% से अधिक की छलांग लगाकर बंद हुए हैं। आपको बता दें कि BSE के 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक सेंसेक्स ने 29 जनवरी के बाद की अपनी सबसे ऊंची छलांग लगाई है और 1196.98 अंक की बढ़त के साथ ये 75,418.04 अंक पर बंद हुआ है। मालूम हो कि अब तक ये सेंसेक्स सबसे हाई क्लोजिंग है। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर चलाई जा रही फर्जी खबर के बारे में। इन दिनों स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एक फर्जी खबर लोगों के बीच वायरल हो रही है। इस खबर में ये दावा किया जा रहा है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 50 से 85 साल की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगा। लेकिन आपको बता दें कि ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है, इसलिए इस तरह के फर्जी खबरों पर यकीन करने से बचें। PIB फैक्ट चेक ने भी अपने सोशल मीडिया एक्स पर इसे शेयर करते हुए फर्जी बताया है। इंस्टाग्राम की तरह व्हाट्सएप पर भी आएगा स्टोरी मेंशन का ये फीचर। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए कई तरह की सुविधा लेकर आता है। इसी कड़ी में इंस्टाग्राम की तरह व्हाट्सएप पर भी स्टोरी मेंशन का फीचर आने वाला है। यानी अब व्हाट्सएप यूजर्स भी अपने स्टोरी में अपने कॉन्टैक्ट्स के लोगों को मेंशन कर सकेंगे। WA Beta Info के मुताबिक व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट में कॉन्टैक्ट्स को प्राइवेटली मेंशन करने के लिए एक फीचर पर काम कर रहा है। ये फीचर यूजर्स को अपने स्टेटस अपडेट सेलेक्ट कॉन्टैक्ट को मेंशन करके डायरेक्ट इन्फॉर्म करेगा। फिलहाल इस फीचर पर काम चल रहा है, जल्द ही व्हाट्सएप यूजर्स को इसकी सुविधा मिलेगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे नए प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किसे IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है सतीश सक्सेना, ऑप्शन बी है प्रदीप नटराजन, ऑप्शन सी है दिनेश मोहनिया, ऑप्शन डी है एन श्रीनिवासन। इसका सही उत्तर है प्रदीप नटराजन। हाल ही में किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है बिहार। इसका सही उत्तर है झारखंड। हाल ही में किस देश से भारतीय सेना को 27,203 असॉल्ट राइफल्स प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है साउथ अफ्रीका। इसका सही उत्तर है रूस। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है पश्चिम चंपारण, ऑप्शन डी है पूर्वी चंपारण। इसका सही उत्तर है पश्चिम चंपारण। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है बेगूसराय, ऑप्शन बी है बांका, ऑप्शन सी है भागलपुर, ऑप्शन डी है भोजपुर। इसका सही उत्तर है बेगूसराय। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है वेद प्रकाश सिंह, उमेश ऋषिदेव, नुन्नू गोलू कुमार, राजकिशोर महतो, गोनर शर्मा, मंटू यादव, राजीव कुमार, पंकज कुमार दास, संजय कुमार शर्मा, सादुल्ला पालवी, विजय कुमार मंडल, रविकांत यादव, मोहम्मद जाकिर हुसैन, धर्मेंद्र कुमार नेहरा, संतोष कुमार, जितेंद्र कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है,
आप अपने जीवन के उस व्यक्ति के बारे में बताएं जिससे आप सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।